गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर इन केमिस्ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चैप्टर नेम इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो फर्स्ट वी नो अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर। देन वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर बेसिकली अबाउट द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो कुछ पहले हम फोर्सेस और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हमें गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस करना है और सॉलिड स्टेट जो है वो क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। क्लास ट्वेल्थ में वो चैप्टर है, बट वो क्लास ट्वेल्थ से वो स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो जो फर्दर जो सॉलिड स्टेट पढ़ना होगा वो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होगा। बस बेसिकली इस चैप्टर में हमें गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है, उनसे रिलेटेड टर्म्स और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट वी नो अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो वहाँ पे आपने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जनरली पढ़ा है। ठीक है, बट उसमें फोर्सेस वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट होता है, काइनेटिक थ्योरी का क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्स एन एग्जिस्टिंग एमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो कोई भी किसी भी स्टेट में कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उनके मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन होता है जो कहलाता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। वो गैसियस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में होती है। हालांकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिस भी सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। ठीक है, ऑब्वियस है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, उनमें बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, तो वो ईजिली मेल्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें मोर एनर्जी देनी होती है कि वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकें। ठीक है, तो जनरली सॉलिड में इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है और इस वजह से इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी वो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में बहुत ही अधिक होता है। ओके, अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वांडरवाल फोर्सेस। ठीक है, देखिए वांडरवाल फोर्सेस जो होते हैं बहुत ही वीक फोर्स होता है। ठीक है, और ये जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरफ का अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, तो कुछ और भी टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज डाइपोल। डाई यानी कि टू, पोल यानी कि जस्ट लाइक साउथ और नॉर्थ पोल आप जानते होंगे कि पोल की बात करते हैं, ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे हम साउथ और नॉर्थ पोल की ना बात करके अपोजिट चार्जेस की बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर होता है, अगर उसमें अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो चार्जेस जो होते हैं वो उस पर शो होते हैं तो वहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। अब चार्जेस शो क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल नेचर का है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है दोनों ही एटम्स के बीच में वो सेम एज होता है या फिर काफ़ी कम होता है डिफरेंस, तो उनमें डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होता। बट यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल है आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। ड्यू टू दिस रीज़न क्लोरीन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम मोर। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, इनके बीच बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अधिक फोर्स लगा करके खींचता है। ड्यू टू दिस रीज़न क्लोरीन कंटेंस पार्शियली निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कंटेंस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जनरली डाइपोल का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे कंपाउंड्स के बीच में होता है जहां पर एक बहुत ही अधिक कोई उस कंपाउंड में जो एटम्स हों उनके बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी अधिक होता है,
तो कोई एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो और एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो तो वहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब जैसे अगर हम बात करें H2O में भी डाइपोल का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, बट CH4 में डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो कापर और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इन सब के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी अधिक होता है। इसी वजह से डाइपोल इंट्रैक्शन इन सभी में पाया जाता है। डाइपोल फोर्सेज एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पॉजिंग परमानेंट डाइपोल्स। तो डाइपोल फोर्सेज जो हैं वो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं जिनमें कि परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक पार्शियली पॉजिटिव और एक पार्शियली निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। द इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स एंड वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो डाइपोल इंट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्गर होता है लंदन फोर्स से। लंदन फोर्स क्या होता है आगे हम डिस्कस करते हैं। एंड वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन, और आयन आयन इंट्रैक्शन मीन्स आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो जो आयन आयन इंट्रैक्शन यानी आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड आयन आयन इंट्रैक्शन। तो आयन आयन इंट्रैक्शन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और उनके बीच में क्योंकि अपोजिट चार्जेज होते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, तो आयन आयन इंट्रैक्शन जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है या इंट्रैक्शन होता है। तो ये डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो आयन आयन इंट्रैक्शन से लेस होता है बट लंदन फोर्स से ग्रेटर होता है। सेकेंड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है। तो इंड्यूस्ड का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट नहीं होती बट किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कारण उसमें प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, इसे हम इंड्यूस्ड कहते हैं। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें कि ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट न हो, ठीक है, जैसे नॉन पोलर नेचर का हो। जितने भी पोलर होते हैं वो तो सारे आपके डाइपोल इंट्रैक्शन करते हैं, बट ऐसा हो जो नॉन पोलर नेचर का हो और वो पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने से इंड्यूस्ड हो जाता है, उस पर भी डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पाया जाता है। लेट्स सी हियर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल, ठीक है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जिसमें कि एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट हो और दूसरा जो हो जिसमें परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनके बीच में एक डाइपोल इंड्यूस्ड होता है जिसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमें आप देखिए तो यहाँ पे ए बी एक पोलर मॉलिक्यूल हमने ले लिया जिस पे एक पार्शियली निगेटिव और एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करा, दूसरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो ए बी के वजह से दूसरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी पोलरिटी शो करने लगता है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड द फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। थर्ड वन इज डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स है। डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज आर प्रेजेंट एमंग नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जनरली किनके बीच प्रेजेंट होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं में ये प्रेजेंट होता है, पोलर नहीं होते हैं। एमंग द एटम्स और क्लोरीन मॉलिक्यूल दीज आर द वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, दीज फोर्सेज इंक्रीजेज विथ, ठीक है। तो जैसे देखिए H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, Br2 है, ये जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक यानी कि जो सिमिलर एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी में ये डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स ही पाया जाता है क्योंकि वो सारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं तो उनमें लंदन फोर्स होता है और ये काफ़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और दीज फोर्सेज इंक्रीजेज, ये इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स, जब उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्पर्सन फोर्स है वो इंक्रीज करेगा। सपोज जैसे हम N2 और Cl2 की बात करें तो N2 नाइट्रोजन गैस है, Cl2 क्लोरीन गैस है, तो N2
में जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14। वहीं क्लोरीन में देखेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 34। तो जो क्लोरीन होगा उसमें जो लंदन फोर्स होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन अधिक होगा, क्योंकि उसके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरा रीज़न है इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, जो कि सेम है कि मॉलिक्यूलर साइज भी इंक्रीज करती है तो लंदन फोर्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियस है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तभी बढ़ेंगे जब वो उसकी साइज बढ़ती है। एक और बॉन्डिंग है हम देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि प्रीवियस चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी कई जगहों पर वर्क करता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। ये आप जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। दस अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द हाइड्रोजन एटम, जिसके कारण हाइड्रोजन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। नाउ द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट द निगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द सम अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये इसमें एक्चुअल में न तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं न ही डोनेट या गेन किए जाते हैं, तो ये केवल एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने के कारण यूज वर्क करता है। तो डेफिनेटली जो आपका हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल 3 ही एटम के साथ फॉर्म होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बाकी किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए तो HF है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। थर्मल एनर्जी एक टर्म है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी अराइजिंग ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी क्या है कि जब किसी भी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन करते हैं तो एनर्जी अराइज होता है, एनर्जी जनरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल एनर्जी। सिंस मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होता है। यानी कि जब हम किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर में, हम लोग जानते हैं कि अगर सॉलिड पर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण वो मूव करने लगते हैं पार्टिकल्स और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, लिक्विड में अप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी के ही कारण होता है, ओके। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब हम लोग जानेंगे गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर आर फॉलो। सिंपली अगर गैसियस स्टेट की हम बात करते हैं तो आप बताते हैं कि A state of any substance in which shape and size of the substance is not definite is called gaseous state, ठीक है। तो gaseous state में क्या होता है, किसी भी substance का shape and size volume जो होता है वो definite नहीं होता, fixed नहीं होता है, और kinetic energy जो होती है इसकी maximum होती है gaseous state में, और जो potential energy होती है वो minimum होती है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन गैसेज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकेस्ट, ठीक है, जो भी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो तो काफ़ी वीक होती है,
गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ही यदि कंप्रेसिबल होते हैं इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, जब हम इसे किसी क्लोज्ड कंटेनर में फिल करते हैं गैस को, तो उस कंटेनर में इक्वली सभी डायरेक्शन में वो सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे बैलून में आप देखिए, सिलेंडर में देखिए, जो LPG सिलेंडर होता है, ठीक है, आपका जो बाइसिकल का ट्यूब होता है, बाइक का ट्यूब होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं जब एयर फिल किया जाता है तो चारों तरफ वो इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है। गैसेज हैव मच लोअर डेंसिटी दैन द सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेज जो होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है सॉलिड और लिक्विड से। द वैल्यूम एंड द शेप ऑफ द गैसेज आर नॉट फिक्स्ड, तो वैल्यूम और शेप तो फिक्स्ड होता नहीं है। गैसेज मिक्स इवेंटली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड, ठीक है, दो गैसेज को अगर आपस में मिक्स्ड करना है तो ये आसानी से मिक्स्ड हो जाते हैं, इनमें हमें कोई फिजिकल वर्क नहीं करना होता ये, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी, उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, तो खुद ही वो मूव करते हैं तो आसानी से वो मिक्स्ड हो जाते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, गैसेस से रिलेटेड कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका आगे की थ्योरीज में हमें यूज करना है। सो लेट्स सी, मास, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम और केजी, ठीक है, तो मास क्या होता है, इट इज़ डिपेंड, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, और वी कैन से दैट द पार्टिकल्स विच आर, मास इज़ डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द मैटर, ठीक है, तो किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पे डिपेंड करता है मास, ठीक है, तो मास जो होता है हम ग्राम या केजी में मेज़र करते हैं। ध्यान रखेंगे हम वेट की बात नहीं करते हैं, वेट जो होता है वो ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, बट मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो केवल आपके जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है, तो वो कभी चेंज नहीं होते, तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है। वैल्यूम, इट इज़ इक्वल टू द वैल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है, मिली लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर और क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस के लिए वैल्यूम क्या होगा कि जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है, ठीक है, उसी कंटेनर का जो वैल्यूम होता है वही गैस का वैल्यूम कहलाता है, उसे लीटर में, मिली लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर एंड क्यूबिक डेसीमीटर में हम लोग मेज़र करते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिली लीटर होता है, एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनका यूज आएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 10^3 डेसीमीटर क्यूब, इज इक्वल्स टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल्स टू 10^6 मिली लीटर और इज इक्वल टू 10^3 लीटर। प्रेशर, गैस प्रेशर इज मेजर्ड विथ मैनोमीटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, ठीक है, तो गैस का जो प्रेशर होता है वो मेज़र किया जाता है मैनोमीटर, मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द मेज़र ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, प्रेशर की यूनिट जो होती है यहाँ पर पास्कल तो होती है, साथ ही साथ ATM हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ATM means atmosphere, ठीक है, 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, बाई मिस्टेक यहाँ EM हो गया है बट वो सेंटीमीटर है, CM है, ठीक है, आप उसको करेक्ट करेंगे जब आप नोट्स बनाते समय, इस बात का ध्यान रखेंगे कि 76 सेंटीमीटर ऑफ HG है, और ये इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ HG या फिर 760 टॉर के इक्वल होता है, ठीक है, तो ये सारे ही ATM, सेंटीमीटर ऑफ HG, मिलीमीटर ऑफ HG, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, पास्कल, ये सारे जो हैं ये यूनिट होते हैं प्रेशर के ही। 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, ठीक है, या फिर 1,1325 पास्कल, इस तरह से मेजरमेंट किया। 1 bar इज इक्वल टू 10^5 पास्कल होता है, तो ये सब रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, खासतौर पे ATM और मिलीमीटर ऑफ HG।
मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस कैसे करते हैं, तो जो मैनोमीटर डिवाइस होता है उसके हेल्प से ही करते हैं। तो उसके लिए ओपन एंड मैनोमीटर का जो होता है वो प्रेशर ऑफ गैस इजक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एटम माइनस एच लिया जाता है। और एच क्या होता है, एच इज़ द डिफरेंस इन द मरकरी लेवल इन द टू कॉलम्स ऑफ डेंसिटी। जो मैनोमीटर होता है उसमें मरकरी ही फील रहता है, जैसे थर्मामीटर में आप देखते हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंस होता है उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्लोज इन मैनोमीटर जो होता है पी गैस इज इक्वल टू एच के ही इक्वल होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल। तो ये ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस हो, ओ सी नहीं है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे, वो डिग्री सेल्सियस है। और इन केल्विन स्केल, या फिर इसे हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, एसआई यूनिट आप जानते हैं केल्विन होता है, ठीक है। और केल्विन इज इक्वल्स टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो हमेशा हम लोग जो भी टेम्परेचर होगा उसे हम 273 से डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करेंगे 273 ऐड करके केल्विन में, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन वगैरह करना होता है वो हमेशा एसआई यूनिट में ही किया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीपी और एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, एसटीपी और एनटीपी मींस 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 bar दैट इज एग्जैक्टली 10^5 पास्कल प्रेशर एट एसटीपी मोलर वैल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.71098 लीटर पर मोल, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ समझना है कि जब भी एसटीपी की हम बात करते हैं तो जो आपका टेम्परेचर होगा वो 273 लिया जाता है, प्रेशर 1 atm या फिर 1 bar लिया जाता है, और वैल्यूम जो आपका एन आइडियल गैस होगा वो 22.4 लीटर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 22.7 लिखा गया बट आप यूज करेंगे 22.4, ये बाई मिस्टेक हो गया है, 22.4 लीटर पर मोल यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं और यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होंगे। बायल्स लॉ, फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज़ बायल्स लॉ। बायल्स लॉ इज आल्सो नोन एज प्रेशर वैल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ तीन चीज़ों में रिलेशनशिप देखेंगे, प्रेशर वैल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इन तीनों को अल्टरनेट कर करके एक को कांस्टेंट करेंगे और दो में रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो है वो प्रेशर वैल्यूम है रिलेशनशिप, तो इसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। तो एट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जब कोई टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो किसी भी गिवन मास ऑफ द गैस का जो वैल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वैल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वैल्यूम इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस आप जानते ही हैं कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे जिसके कारण वैल्यूम जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और प्रेशर जब आप डिक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो वैल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं k, तो वी इज इक्वल्स टू k/p और pb इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज कांस्टेंट, वी इज़ द वैल्यूम, पी इज़ द प्रेशर एंड k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड यूनिट इन विच पी एंड वी आर एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस पर, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होगी और पी वी से ही निकाला जाएगा। लेट वी वन बी द वैल्यूम ऑफ द गैस एट अ प्रेशर पी वन बाई कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू p2 देन द वैल्यूम विल डिक्रीज टू v2 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। तो कहता है कि अगर एक v1 वैल्यूम है किसी भी गैस का और प्रेशर उसका उस समय p1 है,
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका प्रेशर अगर इंक्रीज़ होकर P2 हो जाता है और उसका वैल्यूम डिक्रीज़ होकर के V2, तो उन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा? तो ये आपस में, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो तो इक्वल ही होता है, तो ये आपस में आ जाएंगे P1V1=P2V2=constant रहेगा, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट दोनों ही केस में सेम गैस की बात की जा रही है, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो ये रिलेशन आता है P1V1=P2V2 और P1/P2=V2/V1, ठीक है? आइसोथर्म्स, आइसो यानी कि सेम, थर्म्स यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रीवियस लॉ जो था वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बेस्ड था, ग्राफ्स ऑफ वी वर्सेस पी, प्रेशर और वैल्यूम में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, या फिर वन अपान वी वर्सेस पी है, ठीक है, बाय मिस्टेक पी वी हो गया, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे कि वन अपान वी वर्सेस पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज आइसोथर्म, ठीक है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पी और वी में, या फिर वन अपान वी और पी में, तो जो हमें टेम्परेचर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड आइसोथर्म, ठीक है। तो देखिए पहला ग्राफ आप देखिए, जब प्रेशर हाई है तो वैल्यूम आपका लो रखना होता है, मतलब लो हो जाता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है कि प्रेशर और आपका जो वैल्यूम यूनिवर्सली रख रहे हैं तो हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एकदम मिल रहा है टेम्परेचर, यानी बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इस दोनों में ही, दोनों ही ग्राफ जो हैं वो आइसोथर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। हालांकि हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, बट ये जानना होगा कि आइसोथर्म्स के ग्राफ कौन से होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वी वर्सेस पी या फिर वन अपान वी वर्सेस पी जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर देता है, और इसे ही हम आइसोथर्म्स कहते हैं, ठीक है। एयर इज डेंस एट द सी लेवल बिकॉज इट इज़ कंप्रेस्ड बाय द मास ऑफ एवावी, ठीक है। एयर जो होता है वो सी लेवल पर काफ़ी डेंस होता है, और ऊपर जाने पे काफ़ी वो रेयरर हो जाता है, क्योंकि सी लेवल पर प्रेशर अधिक होता है और वहाँ पे वो कंप्रेस्ड अधिक होता है। सेकेंड वन इज चार्ल्स लॉ। तो फर्स्ट में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो इस बार प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं, तो वैल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आ जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर द वैल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस के सर्टेन मास का जो वैल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण वैल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वहीं टेम्परेचर जब आप डिक्रीज करते हैं तो वैल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, सो वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की के ही यूज़ करते हैं, वेयर वी इज़ वैल्यूम, टी इज़ टेम्परेचर, के इज़ कॉन्स्टेंट। फिर कंडीशन लगाते हैं, लेट वी वन बी द वैल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर टी वन, प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज टू टी टू, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वैल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी इंक्रीज कर जाएगा वी टू, तो उनमें रिलेशन आ जाता है वी वन अपान टी वन इज इक्वल टू वी टू अपान टी टू, जो कि एबव रिलेशन से ही आ रहा है, ये कांस्टेंट के ही इक्वल होता है। वी वन अपान टी वन इज इक्वल टू वी टू अपान टी टू इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि सेम गैस के लिए बात किया जा रहा है, अलग अलग दो कंडीशन है, तो कांस्टेंट जो होगा दोनों में कॉमन ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द गैस पर। तो यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया था, तो यहाँ पर आता है आइसो बार, बार प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइसो बार एक आप आइसोटोप्स एंड आइसो बार्स पढ़े होंगे क्लास 9th में, या क्लास 11th में भी आप स्टार्टिंग में पढ़े थे, बट वो आइसोबार जो था वो अलग था कि एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, हम उसकी बात नहीं, यहाँ बार मतलब प्रेशर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ वी वर्सेस टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबार, ठीक है। तो जब हम वी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसे हम आइसोबार कहते हैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन्स दैट गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सो
हॉट एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर, ठीक है। इसी लॉग से हमें ये भी पढ़ता है पता चलता है कि जब हम गैसेज एक्सपेंड करते हैं, गैसेज जो होते हैं वो फैल जाते हैं जब उन्हें हम हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से जो कोल्ड होने पर ये गैसेज ज़्यादा डेंस होते हैं और हॉट होने पर ये रेयरर होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गैलुसेक्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में टेम्परेचर रखा गया कांस्टेंट, सेकंड में आपका प्रेशर, तो अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है इसमें, तो इसे हम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप कहते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर और किसी भी गैस के लिए जो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम में चेंज ना हो, तो हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, लेकिन उसी पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर से वो एज इट इज़ बना रहेगा, जितना डिक्रीज़ करेगा उतना इंक्रीज। तो हमें कांस्टेंट वॉल्यूम रखने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ करना होता, तो जितना प्रेशर इंक्रीज़ करेगा उतना ही टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना होता, तो इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है, तो इनके बीच रिलेशन आ जाता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर पी अपान टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट हम के यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक रिलेशन बन जाता है पी वन अपान टी वन इज इक्वल्स टू पी टू अपान टी टू, ठीक है। तो इस पर भी बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वैल्यूम इज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, फर्स्ट जो था वो आपका आइसोथर्म था, फिर आइसोबार, अब ये है आइसोकोर। जब वैल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है और रिलेशन निकाला जाता है प्रेशर एंड टेम्परेचर में, तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलता है उसे हम आइसोकोर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ईच लाइन ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमें अलग अलग मिल रहा है। तो कई बार क्वेश्चन हमें ये पूछा जाता है कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो वो क्या कहलाता है, तो आइसोकोर कहलाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज एवोगैड्रो लॉ, वैल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप इसे कहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एवोगैड्रो क्या बताते हैं कि किसी भी इक्वल वैल्यूम, किसी भी अगर दो अलग अलग गैसेज हैं और उनका इक्वल वैल्यूम है और दोनों के लिए टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस सेम हैं, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। यानी कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के होंगे, उतने ही 1 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये अल्फा जैसा जो आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन है, ठीक है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज, ठीक है। एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए गैसेज 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस कंटेन 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स। कहीं कहीं पे आपको 6.023 भी दिखेगा, बट हम 22 यूज करते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन में इजी होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो 6.023 × 10³ होती है, बट हम 22 क्यों ले रहे हैं, 6.022 क्योंकि ये कैलकुलेशन में इजी होता है, तो ये रॉन्ग नहीं माना जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आइडियल गैस, अ गैस दैट फॉलोज बायर्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। तो ऐसा गैस, आइडियल गैस की बात करें, ऐसा गैस जो सभी कंडीशन में बायर्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करता है, इट इज कॉल्ड आइडियल गैस। बट नेचर में कुछ भी आइडियल है नहीं, ठीक है।
जिसको हम आइडियल कह सकें, ऐसा कुछ है नहीं। रियल गैसेस फॉलो दीज लॉज ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। ठीक है, जनरली जो रियल गैसेस होते हैं, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इस लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या हो, नेग्लिजिबल होता है। अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस में तीन कॉन्सेप्ट थे, चार्ल्स वायर्स और अवोगेडो, तो इन्हीं को मिला करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया। दिस इज ऑब्टेन गैस कंबाइंड, सॉरी, दिस इज द कंबाइंड गैस इक्वेशन ऑफ थ्री लॉज एंड इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। तीनों लॉ को मिला करके ये इक्वेशन बनाया गया है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी एंड एन वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, बॉयल्स लॉ है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी एंड एन, एन वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ कॉन्स्टेंट लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी एंड टी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तीनों को अगर हम देखें तो वी के ही प्रोपोर्शनलिटी में है, कोई इनवर्सली है कोई डायरेक्टली है, तो उनको हम मर्ज कर देते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है वी इज प्रोपोर्शनल टू द एन टी अपान पी। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं हम यहाँ पे आर, तो यहाँ पे पी का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आ जाती है, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वैल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैसियस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम देखें तो यही इक्वेशन जो है डेंसिटी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपान आर टी। तो पी फॉर प्रेशर, एम फॉर मास हो जाएगा, आर जो होगा गैसियस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर। अब जो आर है उसकी अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा यूज करना होता है वो हम जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि तो हमें हमेशा यहाँ पर जो हमारा एसआई यूनिट ही हम लोग यूज करते हैं, तो जो थर्ड है आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, वही आप यूज करेंगे, बट अलग अलग यूनिट में अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं। कहीं पर देखिए जैसे लीटर रहेगा, एटीएम रहेगा, मोल पर केल्विन रहेगा, तो आप फर्स्ट यूज करेंगे, लीटर बार मोल केल्विन रहेगा तो भी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, बस एटीएम और बार केवल इक्वल ही होते हैं, ठीक है, बट आगे की थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वो थोड़ा डिसिमिलर, ज़्यादा अगर सभी एसआई यूनिट में होते हैं तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट या सेकंड में से, जैसा क्वेश्चन में हमें अलग अलग सब्सटेंस की यूनिट दी गई रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम गैसियस कांस्टेंट आर की वैल्यू चूज करते हैं। आइडियल गैस, द गैस ओबेज द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज स्ट्रिक्टली इज नोन एज आइडियल गैस। तो ऐसा गैस जो कि सभी कंडीशंस में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का फॉलो करता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को ओबे करता है, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। बट एक्चुअली में 100% आइडियल गैस नेचर में कोई होता नहीं है, जनरली सारे रियल गैसेस ही होते हैं। सिंस नन ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म यूनिवर्स स्ट्रिक्टली ओबे द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, हेंस दे आर नोन एज रियल और नॉन आइडियल गैसेज। रियल गैसेज बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रियल गैसेज आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करते हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, यानी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करते हैं, यानी जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करेगा वो आइडियल गैस, जो नहीं करेगा वो रियल गैस होगा। ओके, सो वन लास्ट कॉन्सेप्ट, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन आप जानते ही होंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से
एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं, पार्टिकल्स की मोशन इनमें काफ़ी तेज़ी से होती है ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी। दिस इज़ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक होता है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है और इनके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करते हैं और इस वजह से इनमें डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ग्राहम ने डिफ्यूज़न लॉ बताया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ग्राहम ने क्या बताया लॉ, देखते हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट्स ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। तो इन्होंने क्या बताया कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के सर्टेन कंडीशन पर जो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि आर इज रेट को यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन अंडर रूट वन अपॉन डी रखेंगे, ठीक है, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वन अपॉन डी, ये डायरेक्ट होता है। बट जब इसको हम दो गैसेस के लिए जब मर्ज कर देते हैं तब हो जाता है कि आर वन अपान आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपान डी वन, अंडर रूट में ही है, अंडर रूट में डी टू अपान डी वन, ठीक है, जब दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम उनका वैल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वैल्यूम होता है, अगर दोनों ही गैसेस का वैल्यूम हम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो ये रिलेशन हो जाता है कि R1 वन अपान आर टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम टू अपान एम वन, क्योंकि वैल्यूम जो दोनों का सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दो रिलेशन यहाँ से मिलते हैं कि R1 वन अपान आर टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी टू अपान डी वन, और दूसरा होता है R1 वन अपान आर टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम टू अपान एम वन। डी वन डी टू क्या है, डेंसिटी है, और एम वन एम टू क्या है, मास है, R क्या है, रेट है, ठीक है। डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ गैस टू डिस्ट्रीब्यूट इट सेल्फ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, वाइल डिफ्यूजन इज द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेज थ्रू अ स्मॉल होल व्हेन इट सब्जेक्टेड टू प्रेशर। सिंपली डिफ्यूजन क्या है कि टेंडेंसी ऑफ अ गैस है कि जिसमें ये खुद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चारों तरफ आसानी से, ठीक है, और डिफ्यूज़न ही है ये, बाई मिस्टेक डिफ्यूज़न हो गया है, ठीक है, एक सेकेंड वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ वो इफ्यूज़न ही है, ठीक है। इफ्यूज़न में क्या होता है, इज़ द मोमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द गैस थ्रू अ स्मॉल होल व्हेन इट सब्जेक्टेड टू प्रेशर। देखिए डिफ्यूज़न के केस में यूनिफॉर्मली वो चारों तरफ ऐसे ही गैसेज जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, बट इफ्यूज़न के केस में जब हम प्रेशर अप्लाई करके और किसी स्मॉल होल से स्मॉल पोर से गैसेस को पास आउट कराते हैं तो वहाँ इफ्यूज़न कहलाता है। प्रेशर अप्लाई करके जैसे आप सपोज़ दैट आप परफ्यूम या फिर डीओ है, जो गैस वाला डीओ होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पोर्स बने रहते हैं, उसी पोर से वो गैस बाहर आती है तो वहाँ इफ्यूज़न होगा, लेकिन बाहर आकर के वो यूनिफॉर्मली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो वहाँ पर डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। सो दिस सेशन इज दिस लेक्चर इज कम्प्लीटेड। इन नेक्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट सम अनदर कॉन्सेप्ट लाइक डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स फ्राम न्यूमेरिकल पोर्सन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्सन का मोस्ट कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है, फार्मूले आपके सिंपली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क मी, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।